Hello friends, you are most welcome in our YouTube channel Polytechnic Group. Today we will discuss about switchgear and protection lecture 2. तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं पावर सिस्टम फॉल्ट. ठीक है, यानी किसी पावर सिस्टम में ठीक है कैसा फॉल्ट होता है, पावर सिस्टम के फॉल्ट के बारे में. किसी भी पावर सिस्टम का दो कंडीशन होता है, पहला कहलाता है नॉर्मल कंडीशन और दूसरा होता है एबनॉर्मल कंडीशन. हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल कंडीशन. भाई नॉर्मल कंडीशन क्या होता है, तो देखिए जब आपके सिस्टम का वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो, आपके सिस्टम का वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी क्या रहे, कांस्टेंट रहे, और जो सिस्टम से होके करंट फॉलो हो रहा है वो या तो रेटेड करंट होना चाहिए, यानी जितना करंट फॉलो उससे होना है. जैसे 5 एम्पियर का इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट का यदि करंट रेटिंग 5 एम्पियर है तो 5 एम्पियर फॉलो हो रहा है, या तो 5 एम्पियर से कम फॉलो हो रहा है. यानी या तो रेटेड करंट का करंट फॉलो होना चाहिए या बिलो रेटेड करंट का करंट फॉलो होना चाहिए. करंट फॉलो कैसा करंट होना चाहिए, रेटेड करंट या बिलो रेटेड करंट. यानी यदि आपके सिस्टम का वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो और रेटेड करंट का, या तो रेटेड करंट फॉलो हो रहा है या जितना रेटेड करंट आपका है निर्धारित करंट उससे कम करंट ही पास कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल कंडीशन. और यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो आपका कहलाएगा एबनॉर्मल कंडीशन. ठीक है, यदि रेटेड करंट से ज्यादा करंट फॉलो हो रहा है तो वो आपका कहलाएगा एबनॉर्मल कंडीशन, या आपका जो रेटेड वोल्टेज है उससे ज्यादा वोल्टेज है फिर भी आपका क्या कहलाएगा, एबनॉर्मल कंडीशन कहलाएगा. यानी नॉर्मल कंडीशन के लिए वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होना चाहिए और करंट या तो रेटेड होना चाहिए या बिलो रेटेड फॉलो होना चाहिए, अदरवाइज ऐसा नहीं हुआ तो एबनॉर्मल कंडीशन हो जाएगा. तो आपने देखा नॉर्मल कंडीशन एंड एबनॉर्मल कंडीशन. अब हम ये देखेंगे जो फॉल्ट होने का क्या क्या कारण है. रीजन फॉर फॉल्ट अकरेंस, फॉल्ट के उत्पन्न होने के क्या रीजन. देखिए मैक्सिमम फॉल्ट जो उत्पन्न होता है, पहला पॉइंट, मैक्सिमम फॉल्ट जो आपका अकर होता है उत्पन्न होता है वो वायर के ठीक है लाइन के इंसुलेशन फेल्योर के कारण. यानी जो आप वायर यूज कर रहे हैं, कंपोनेंट जो आप यूज कर रहे हैं उसका इंसुलेशन फेल्योर हो गया, इंसुलेशन खराब हो गया, क्योंकि हर एक वायर के ऊपर क्या रहता है इंसुलेशन. तो यदि आपके वायर का इंसुलेशन खराब हो गया, इंसुलेशन आपका छिल गया ठीक है, तो उसके कारण भी आपका क्या होगा, फॉल्ट उत्पन्न होगा. दूसरा मेन है, सबसे ज्यादा जो फॉल्ट उत्पन्न होता है वो आपके वायर के टूट जाने के कारण, यानी मैक्सिमम फॉल्ट अकर्स ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कंडक्टर्स, यानी कंडक्टर्स के ब्रेक हो जाने के कारण, टूट जाने के कारण बहुत सा फॉल्ट उत्पन्न होता है. तीसरा ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण रीजन है फॉल्ट उत्पन्न होने का, ओवर वोल्टेज. ओवर वोल्टेज होने के कारण भी वायर जो होता है वो क्या होता है, मेल्ट कर जाता है, गल जाता है, जिसके कारण से भी फॉल्ट उत्पन्न होता है. नेक्स्ट है अनबैलेंस करंट. जैसे मान लीजिए आपका कोई रोटेटिंग मशीन है, थ्री फेज से चल रहा है और अनबैलेंस करंट है, यानी करंट सेम नहीं है, बैलेंस करंट और अनबैलेंस करंट आपको बताएंगे सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल करंट आगे. तो यदि तीनों फेज का जो करंट वैल्यू है वो सेम नहीं है तो उस टाइम क्या होता है, जो आपका रोटेटिंग मशीन है वो हीट होने लगता है, और जब ज्यादा आपका हीट हो जाएगा तो उस मशीन का कॉइल क्या हो जाएगा, बर्न कर जाएगा और फॉल्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है जो आप कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, यानी वो किसी भी सिस्टम कंपोनेंट जो आपका है वो सस्ते दाम का है, यानी पुअर क्वालिटी का है, उसका क्वालिटी सही नहीं आपको. यदि पुअर क्वालिटी का हम कंपोनेंट सिस्टम कंपोनेंट यूज कर रहे हैं तो भी मेरा फॉल्ट क्या हो सकता है, उत्पन्न हो सकता है. तो ये सब रीजन है फॉल्ट.